वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सीरियस नोट, मैं इस वक्त समुंदर कटा लेक से वापस आ रहा हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ के कुछ लोकल्स ने इस लेक को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं उनको लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। मेरा बैग वहाँ पर एक चेयर के ऊपर पड़ा हुआ था, तो एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा कि आपको बैग चेयर के ऊपर रखने की फ़ीस देनी होगी और इसकी फ़ीस 400 रुपीज़ है। सीरियसली, पूरे पाकिस्तान में ऐसा सीन कहीं पर भी नहीं है जो समुंदर कटा लेक के ऊपर है। इसके अलावा मेरे सामने एक दो कपल्स वहाँ पर आए, जब वो अपनी गाड़ी से उतर के लेक के पास जा रहे थे तो लेक के पास जाने से पहले उनसे टिकट लिया गया 20 रुपीज़ ईच, और उनको उसके अगेंस्ट कोई टिकट प्रोवाइड नहीं किया गया, जस्ट अमाउंट ली गई। और इसी तरह ये लोग जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको इसी तरह लूट रहे हैं। वीडियो बनाई है, ये वीडियो शेयर करूँगा कुछ अथॉरिटीज़ के ऊपर, उनके लिए लाइक GDA हो गया और एबटाबाद में कुछ लोगों को जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आपके साथ ये चीज़ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी इस तरह की कोई प्लेस विजिट करते हैं, जब तक आपको कोई वैलिड रसीद या वैलिड टिकट किसी चीज़ का नहीं देता, लाइक वो पार्किंग का है, एंट्री का है, अगर कहीं बैठने का है, आपको जब तक कोई वैलिड टिकट या रसीद नहीं मिलती है तो आप उसको पे मत कीजिए। ये लोग इसी तरह ही लूटते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे। कल को कोई बाहर का टूरिस्ट आएगा, वो हमारे पाकिस्तान को विज़िट करेगा, तो यहाँ की मेहमान नवाजी को वो एक अजीब ही रंग में देखेगा। तो जब तक आपको वैलिड टिकट या वैलिड रसीद किसी भी चीज़ की नहीं दी जाती है, आप उस बंदे को पे मत कीजिए। सो फार एक चीज़ मज़े की है यहाँ पर, और वो है यहाँ का मौसम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ समुंदर कटा झील के ऊपर, मेरी बैक साइड के ऊपर आपको इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। आज के इस ब्लॉग के अंदर समुंदर कटा लेक की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त समुंदर कटा झील की सूरत हाल क्या है। रिसेंटली ही कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पर जितनी जो छोटी बहुत बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनको डिमोलिश किया गया है, और अभी तक उनका मलबा इसी तरह पड़ा हुआ है। और जो इनके जो मालिकान थे उन्होंने आगे हाई कोर्ट में अपील भी कर दी है इसकी, कि GDA की तरफ से ये गलत स्टेप था, उनको यहाँ पर ये डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। लेक की जहाँ तक बात की जाए, डेप्थ इसकी अबाउट 30 फीट है, लेकिन लेक इसको नहीं कह सकते, कट्ठा है तो इसको कट्ठा ही बोलेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल लेक के साथ ही गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, चेयर्स भी हैं, चारपाई भी है, लेक वाली कोई भी खूबसूरती या कोई भी फैक्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा। जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये भी चंद ही दिनों का मेहमान है, इसके नीचे से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं, कुछ ही अरसे के अंदर ये भी टूट जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी, ज़िप लाइन, बोटिंग और जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती थी, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बंद कर दी गई है। होपफुली कि नेक्स्ट सीजन के अंदर दोबारा से यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ शुरू की जाएंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को बंद किया गया है।